मोदी की मार्केटिंग पर भड़के राहुल, बोले लोगों की जान आपके आंसुओं से नहीं ऑक्सीजन से बचेगी। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का प्रभाव काफी कम हो चुका है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर अक्टूबर के महीने में आने का दावा किया जा रहा है। अब कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को एक बार फिर से चेताया है। एक श्वेत पत्र जारी कर राहुल गांधी ने मोदी सरकार से कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी अभी से करने की अपील की है। इस दौरान राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत कर कोरोना संक्रमण के दोनों लहरों के दौरान मोदी सरकार की गलतियों को अपने तरीके से उजागर किया है। राहुल गांधी ने इस मामले में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि शायद हिंदुस्तान एक ही ऐसा देश है जहां पर प्राइवेट अस्पतालों में पेमेंट के जरिए वैक्सीन लगाई जा रही है। दुनिया के सभी देशों में लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाई जा रही है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही मार्केटिंग पर घुस गए थे। कोरोना महामारी में उन्होंने जनता से ताली थाली बजाने, मोबाइल फोन की लाइट जलाने के लिए कहा। उनका कहना था कि कोरोना को हमने हरा दिया है, दुनिया भर के कई देशों में हमने वैक्सीन भेजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग का नतीजा पूरे देश ने देख लिया है। लाखों की तादाद में लोग असामयिक मौत मर चुके हैं। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के आंसू कोरोना से मरने वाले परिवारों के आंसू नहीं मिटा पाए। वो सब परिवार जानते हैं कि उनके अपनों को पीएम के आंसू उन्हें नहीं बचा पाते, लेकिन ऑक्सीजन जरूर बचा लेती है। राहुल गांधी का कहना है कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। कोरोना वायरस की वैक्सीन को सही तरह से चलाया जाना चाहिए। कोरोना पर भारत सरकार की जीत हासिल करने के दावे अभी करने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। राहुल गांधी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि मैं कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान कई बार कह चुका हूं, कोरोना संक्रमण भारत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। अब कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, लोगों को बचाने के लिए इसकी पूरी तैयारी अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो डेस्क, बोलता हिंदुस्तान।